दोस्तों राजस्थान में टीचर्स के जॉब की बहार आ रही है और हाल ही लेटेस्ट जो सरकारी नोटिफिकेशन है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बीकानेर की, उसके अकॉर्डिंग गैस फैकल्टी की स्कीम यानी विद्या संबल योजना के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में जो पद रिक्त है वहाँ पे गैस फैकल्टी स्कीम के थ्रू उन पदों को भरा जाएगा। उसके लिए आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो सारी जो जानकारी है जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर एक कैंडिडेट इसका बेनिफिट ले सके। तो जानकारी के लिए बता दूं विद्या संबल योजना के लिए इसके अंदर सभी श्रेणी के टीचर्स के लिए वैकेंसी है, जिसमें व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल 2, फर्स्ट, थर्ड और शारीरिक शिक्षक भी इसके अंदर है। और गैस फैकल्टी के लिए जो नियम और आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो सारी इस विज्ञप्ति के अंदर मेंशन है। साथ ही इसके अंदर मैं आपको इसका जो आवेदन का फॉर्म है वो भी इस वीडियो के लिंक में प्रोवाइड कर रहा हूँ, PDF, जिसको आप डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं और साथ ही अपने जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है वो आप अटैच करके अपने नज़दीकी स्कूल में सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए जो बात करें अगर आवेदन पदों की, तो सबसे पहले इसके अंदर लेवल 2 के पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि आपने रीट क्वालिफाई किया तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप BEd या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें इसकी रिक्तियों का प्रकाशन की किस जिले के अंदर कौन सी वैकेंसी है, इसके लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट education.rajasthan.gov.in पे भी विजिट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें, इसका नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसकी बात करें आवेदन प्रक्रिया, तो आवेदन प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑफलाइन है, जिसके अंदर आपको ये फॉर्म एक मैं अभी इसके अंदर लिंक दे रहा हूँ जिसको आपको डाउनलोड करके फिल करना है। साथ ही इसमें आवश्यक दस्तावेज अप्लाई या अटैच करके आपको नज़दीकी विद्यालय में जहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है वहाँ पे सबमिट कर देना है। और इसके अंदर मेरिट लिस्ट जो है आपकी एलिजिबिलिटी आपके सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग स्कूल विभाग जो है वो जिला के निर्देशानुसार तय करेगा। बात करें इसके अंदर वेतन की, तो सबसे पहले अध्यापक लेवल प्रथम का जो है उसमें 1 से 8 तक जो टीचर्स अवेलेबल होंगे उसके लिए 1 घंटे का 300 रुपये मानदेय, उसके हिसाब से अगर 3 घंटे आप एक दिन में पढ़ाते हैं तो 21,000 रुपये महीना आपकी सैलरी होगी। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक को आपको 350 रुपये पर घंटे के हिसाब से 25,000 रुपये सैलरी होगी। और प्रधानाध्यापक जो 11th 12th क्लास है अटेंड करेगा उसको 400 रुपये 1 घंटे के हिसाब से 30,000 रुपये की सैलरी होगी। तो कुल मिला के 21 से 30,000 रुपये तक की इसके अंदर सैलरी मिलेगी सबको अपनी कैटेगरी और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। और बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो सबसे पहले 1 नवंबर 2022 को इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि कौन से जिले में कौन सी स्कूल में कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी खाली है। उसके बाद आप 2 नवंबर से 4 नवंबर तक विद्यालय समय के अंदर जाके अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आपको आवेदन सबमिट करना है और 5 नवंबर को जो आवेदन है सबमिट हुए हैं उनकी लिस्ट विद्यालय अपने डैशबोर्ड पे चिपका देगा एक तरीके से, और 7 नवंबर को पात्रता की जांच की जाएगी। उसके अलावा 9 नवंबर को आपत्तियां मांगी जाएगी, किसी को कोई दिक्कत हो तो वो सबमिट कर सकता है। और 10 नवंबर को फाइनल लिस्ट आपकी जारी की जाएगी और 11 नवंबर को मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई करके दिनांक 12 नवंबर को एक ऑफिस ऑर्डर जारी किया जाएगा और 19 नवंबर से उनको मतलब वर्क इश्यू कर दिया जाएगा, वो अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही जो आवेदन फॉर्म है मैं आपको इसका लिंक PDF का हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आवेदन फॉर्मेट है जिसके अंदर आपको सिंपली अपना नाम, एड्रेस और जो भी डिटेल्स में मांग रहा है लेटेस्ट फोटो ये फिल कर देनी है। इसके अलावा जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अंदर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd जो भी किया है, कौन से वर्ष में की है, कितनी परसेंटेज उसमें अचीव की है, उसको आप फोटोकॉपी इसमें सेल्फ अटेस्टेड करके लगा सकते हैं। साथ ही इसके अंदर जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है अगर आपने रीट भी क्वालिफाई कर रखा है तो उसकी भी डिटेल आप इसमें फिल कर सकते हैं। और आपका जो एड्रेस है वो टेम्परेरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस वो भी आपको यहाँ फिल करना है। और सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, आप नॉर्मली इसको फिल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, कौन सी कैटेगरी के अंदर है, इसके अंदर कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी आपको बनवा के सबमिट करना है, दोनों इसके अंदर अटैच करने हैं। तो इस तरीके से ये जो वैकेंसी है बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है टीचर्स के लिए, आप नज़दीकी स्कूल के अंदर आज ही पता करें और सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें कि आप अगर एलिजिबल है तो इसका फॉर्म प्रिंट आउट निकाले, आवश्यक दस्तावेज इसमें लगाए और निर्धारित यानी जो जिस स्कूल के अंदर वैकेंसी अवेलेबल है वहाँ पर जाके अपना दस्तावेज सबमिट करें। जो भी कैंडिडेट से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ताकि हर एक कैंडिडेट इसका बेनिफिट ले सके और अपनी जॉब को सिक्योर कर सके।